नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है नवीन जी के चेस चैनल पे। आज देख सकते हैं आईएएस भवन का जो है ये पिक है, और इस पर जो है एक वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। जो है आज का जो है सीट अलॉटमेंट वैकेंट सीट का जो है जारी कर दिया गया है। फटाफट आप देख लीजिए सभी कैंडिडेट जो है डाउनलोड करके इसको, जिससे कि आपको पता चल सके जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जो है कितना सीट अभी बचा हुआ है। जो कि 8-10 डिस्ट्रिक्ट का जो काउंसलिंग हो रहा था और गर्ल्स का भी हो रहा था, तो इस पर जो है आपको प्रॉपर वीडियो जो है मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इस में जो है काउंसलिंग हो रहा है, आईटीआई का जो है एडमिशन हो रहा है, और क्या प्रोसेस है सभी कुछ नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। अभी आप लोग को सूचना देना ज़रूरी था, इस वजह से ये जो है वीडियो बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, जो कि लिस्ट जारी कर दिया गया है उसके लिए। और लिस्ट जारी होने के बाद आप लोगों को सूचित करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए अर्जेंट में इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे पल पल का अपडेट। और फ्रेंड्स, और भी डिटेल में वीडियो नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट जो है डाउनलोड सीट अलॉटमेंट यानी कि वैकेंट सीट जो है जारी कर दिया गया, तो उसमें देख लीजिए जो कितना सीट आपके डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ है। डाउनलोड करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं फाइनली ये जो लिस्ट है डाउनलोड होकर आ चुका है, और इसका जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप यहां पर देख सकते हैं मधुबनी का जो है फर्स्ट में शो हो रहा है 16 यानी कि 26/12/2021, यानी कि मधुबनी का जो है फर्स्ट में शो हो रहा है। तो आप इसमें देख लेंगे जो कौन से कैटेगरी में जो है कितना सीट अभी बच रहा है, यानी कि वैकेंट सीट बच रहा है। आप इस डिस्ट्रिक्ट का देख लेंगे मधुबनी का, उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में किनका था। तो वो भी मधुबनी का जो है यहाँ पर देख लीजिए, सब टोटल दिया गया है, सीट जो है आपका यहाँ पर शो हो रहा है। तो वो ध्यान देंगे आप सभी कैंडिडेट। और उसके बाद जो है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कटिहार का जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिहार का भी काउंसलिंग हुआ है, जो कि कितना सीट खाली है सब टोटल देख लीजिए। यहाँ पर जो है 230 सीट जो है अभी भी खाली है कटिहार में। और उसके बाद देख लीजिए यहाँ जो है ये जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट का जो है, वैशाली के डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका जो है सीट है 119 सीट जो है अभी खाली है अर्जेंट में। और उसके बाद जो है आप देख लीजिए नालंदा डिस्ट्रिक्ट का जो है कितना सीट खाली है, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट का जो है 139 कैंडिडेट का अभी भी एडमिशन होना है। और उसके बाद देख लीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट का जो है, पटना डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट बचा हुआ है, ठीक है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट में आपको 490 सीट बचा हुआ है, पटना डिस्ट्रिक्ट में 490 सीट बचा हुआ है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ जो है गया डिस्ट्रिक्ट का शो हो रहा है, उसके बाद सब टोटल गया डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए आपका 328 सीट बचा हुआ है। उसके बाद भागलपुर का शो हो रहा है, उसमें देख लीजिए आपका जो है 180 सीट भागलपुर में अभी शेष बचा हुआ है NCVT ट्रेड का। और उसके बाद आप देख लीजिए जो है सुपौल का है, सुपौल का भी काउंसलिंग हो रहा है, जो कि उसमें 117 सीट बचा हुआ है NCVT ट्रेड का। ट्रेड आप देख लेंगे इस तरफ जो है आपका ट्रेड शो हो रहा है, और इस तरह ITI इंस्टीट्यूट और इसमें जो है ट्रेड, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। उसके बाद जो है वुमेन कैटेगरी का है, उसके बाद देख लेते हैं वुमेन कैटेगरी में जो है अभी सीट कितना बचा हुआ है, तो वो भी जान लीजिए, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके आगे आने वाले वीडियो में सभी कैंडिडेट के लिए। तो वोमेन कैटेगरी में आप देख सकते हैं 1522 जो है सीट अभी बचा हुआ है वोमेन कैटेगरी में। उसके बाद देख लीजिए बेगूसराय का शो हो रहा है, बेगूसराय में टोटल सीट अभी जो है 259 सीट बेगूसराय का अभी जो कि बचा हुआ है, एडमिशन होना है 259 पे। तो चलिए और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा और भी इन्फॉर्मेशन, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों के साथ। और ये जो अर्जेंट में आप लोगों को सूचना देना था, इसलिए स्पष्ट रूप से वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाने के से आप लोगों को छोटा वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। और चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा सभी फ्रेंड्स। और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आते हैं तो।